व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लोगों को पप्पू बनाकर लाखों कमाते हैं ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स, क्रिंजी स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से आप किसके फैन हो ये भी बता देना जरूर। बाकी भैया वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचे तो हैं ये लोग, लेकिन देखते पूरी वीडियो। फैक्ट वाई की वीडियो है, मस्त मजेदार। 1 2 3 गो। चाय, चाय, स्पेशल वाली चाय। डॉनी चाय वाला की चाय में चीनी कम और ड्रामा ज्यादा है। बड़ा पाव वाली दीदी के पास बड़ा पाव के साथ स्ट्रगल स्टोरीज मिलने का वादा है। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। और कचौरी वाले अंकल, इनका तो फुल ऑन राड़ा है। इंटरनेट के हर गलियारे में जिनकी धूम है, आज वैक भाई ने ऐसे ही महाक्रिंज महारथियों का मेला लगाया है, जिसमें स्पेशली अपीयरेंस देने पहुंचे हैं जसप्रीत सिंह। अगर आप भी इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका के बारे में जानना चाहते हो तो आओ बिना देरी इनसे मुलाकात और इनकी बात शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बल रहे नहीं तो संभल गए। मेरी स्टाइल में बेचता उच्चा है तो लोग कहते हैं मुझे छपरी। गूगल करके देख, एनडीए चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ गए, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कभी बिल गेट्स ने सपने में सोचा था कि वो एक दिन अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग का हिस्सा बनने आएंगे और सुबह सवेरे उसे चाय पीने की रिक्वेस्ट डॉली चाय वाला से करने का मौका मिलेगा। आई डोंट थिंक सो। और डॉली चाय वाला की तो किस्मत ही खुल गई। बिल गेट्स की रील को 10 मिलियन व्यूज क्या मिले, इनके चढ़े हुए तेवर का जेवर बनकर इन्होंने सर पे पहना और अपनी चाय की टपरी से सीधा रॉल्स रॉयस से लंबोर्गिनी खरीदने पहुंच गए। लेकिन इंडिया के सस्ते जैक स्पैरो बोले तो डॉली बड़े आदमी बनने के बाद एटीट्यूड में फुल पलटी मारे और बिल गेट्स की रील को लेकर सवाल पूछने पे ये बोले, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। और भाई लोग, डॉली चाय वाला को कोई क्रिंज बुलाए या छपरी या उनके एटीट्यूड से कोई घबराए, एक बात तो सब मानेंगे, उसका स्ट्रगल। बेचारे ने पिछले 13 साल तक लोगों को चाय पिलाई और जब पैसे जोड़ जोड़ के वो दुबई घूमने गया तो वहाँ भी उसकी चाय की दुकान लगा डाली। पर डॉली भाई फेमस वेंडर कम इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी फुल हम्बल है। नंबर 2, अपना सपना रेडी रेडी। चीते की चाल, बाज की नजर और डिग्री वाले वेंडर के क्रिंज पर संदेह नहीं करते। अब एमबीए चाय वाला की नैया को हम सब ने इंटरनेट की गंगा में डूबते देखा है, पर आज फोकस इनसे हटाएंगे और इनकी माँ की बहन के ससुर के भाई की बुआ के गांव की बेटी बोले तो बीते पानी पूरी वाली पे फोकस करेंगे। 21 साल की तपसी उपाध्याय ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले स्कूटी और फिर बुलेट से अपने ठेले को खींचा और आज इस अटेंशन को कैश करके ये थार से ठेला खींचती हैं। पर इनकी यूनिक स्टाइल जैसे ही इनकी पानी पूरी भी यूनिक है और हेल्दी हेल्दी बोल के 20 की प्लेट 30 में और चैलेंज वाली प्लेट 50 रुपए में बेचकर तापसी ने ऑल ओवर इंडिया 40 प्लस फ्रेंचाइजी खोल ली। इनकी हाईएस्ट वन डे इनकम सुनकर तो खुद मुझे चक्कर आ गया। 22,000 पहले बड़े बूढ़े कहते थे पढ़ लिख लो बेटा वरना रास्ते पे ठेला लगाना पड़ेगा, पर आज के बच्चे तो इसे ही स्टार्टअप बताकर बिजनेस कर रहे हैं। ये देखो, ये फ्रेंचाइजी ऑप्शन मात्र 2 से 5 लाख में। अब माना कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, पर हर कोई बचपन से ठेले पे पानी पूरी बेचने का सपना भी नहीं देखता, स्पेशली 5 लाख लगाकर तो नहीं। पर ये रुकेंगी नहीं, इन्होंने अब साउथ इंडियन स्टॉल भी चला दिया है, जल्द ही इसकी फ्रेंचाइजी की भी लाइन लगेगी। नंबर 3, बीमार नहीं तो जय जयकार नहीं। ड्रामा कहाँ है, कहाँ है ड्रामा? क्या आप भी टीवी सीरियल वेब सीरीज में ड्रामा ढूंढ कर थक चुके हैं? तो आइए बड़ा पाव वाली दीदी के पास, आइए देखते हैं मजा आएगा। जो बड़ा पाव गिन के 4 दे दें, पर ड्रामा इतना देती है कि जो एक बार इनके ठेले पे आ जाए वो दोबारा खुद को आने से रोक नहीं पाता। और 15-20 का बड़ा पाव 50 रुपए का एक बेचने वाली दीदी का स्ट्रगल भी सुनी लो। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। दीदी को पता ही नहीं है कि हर दूसरे आम इंसान की ऐसी ही दुबई कहानी है। नेहा कक्कड़ का एग्जांपल ले लो, बेचारी हर सीजन में आंसू की नदी खुशी से थोड़ी बहती है, हर दूसरे कंटेस्टेंट का स्ट्रगल था। खैर, दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित के हाथों से बने बड़ा पाव के साथ मिलने वाली तीखी मिर्ची ने इनके अपने तेवर भी दिखे। एक बार दीदी को गुस्सा आ गया तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। फिर बड़ा पाव खरीदने वाला 1 घंटे से लाइन में ही क्यों ना खड़ा हो। रही बात इनके बड़प्पन के टेस्ट की तो ये सुन लो, कितनी देर से वेट कर रहे थे पहले ये बताओ। आधे घंटे से हमने वेट किया एंड टेस्ट
उतना खास नहीं है जितना आधे घंटे वेट करके मिला। मतलब इनके रातों रात वाले फेम से एक बात तो पक्की है, दीदी काफी तेज हो रखी हैं और इनको ये भी पता है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा पतेली मारने में ऐसा हाल भी हो जाता है। नाम बता, क्या नाम है मेरा? कोई बोला नहीं था उस टाइम। नंबर 4, जीरो से हीरो। जहाँ 10 साल के बच्चे अपनी खाई हुई थाली धोकर नहीं रखते, वहाँ ये बच्चा अपनी बड़ी बहन की शादी कराने की बात कर रहा है। सारी जिम्मेदारी बहन की शादी कराने की, सब कुछ मेरे पे ही है। पैसा बर्बाद बहन। और ये इस बच्चे की मजबूरी और उसके लिए जरूरी दोनों है। आज इंटरनेट पे 10-year-old हीरो के नाम से जाना जाने वाला जसप्रीत सिंह सुबह सवेरे स्कूल जाता है और लौटकर 11 बजे रात तक रोज बना बना कर बेचता है। अब अगर आपने भी जसप्रीत को सोशल मीडिया पे देखा है तो आप इसकी बैक स्टोरी जानते होंगे। इसी साल पिता का देहांत हुआ और उसके बाद उसकी माँ अपने बच्चों को छोड़कर पंजाब निकल ली, पर इससे टूटने की बजाय उसने अपने पिता की दुकान को आगे बढ़ाने की ठान ली। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ये बच्चा चल तो निकला है, पर शायद लोग भूल जाते हैं कि ये अब भी बच्चा है। कैसे? टीवी होगा तो मतलब घर में हो, कोई है नहीं आप? और मम्मी? मम्मी पंजाब। पंजाब में क्या करने गई है मम्मी? ऐसे सवाल कौन करता है। खैर, अब तक जिस भी फूड ब्लॉगर ने इसकी वीडियो बनाई, सबका बस यही कहना है कि डोनेशन देकर नहीं, इस बच्चे को काम मतलब कस्टमर देकर इसकी मदद करो, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो इसकी। मतलब पैसों की हेल्प नहीं, उससे पूछा मैंने भाई किसी तरह की कोई जरूरत नहीं चाहिए भाई, बस इसके पास ना कस्टमर आने चाहिए। इनफैक्ट भाई आशा ही करेगा कि अगर ये बच्चा सच्चा है तो उसकी ऐसे ही तरक्की हो, एटलीस्ट वो बाकी क्रिंज वेंडर्स की तरह अपनी स्टोरी को अपनी मार्केटिंग बनाकर उसे लोगों को लूटने का शॉर्टकट ना बना ले। नंबर 5, बकबक से मुमकिन है। बातें ऐसी बनाओ कि लोग आपको आपके काम से कम और बकबक से ज्यादा जाने। पप्पू भी दिलाएंगे मेरी बेटी आगे। और बेटा भाभी आऊंगा शाम को मिलने के लिए, बोल दियो। खोल के रखे दरवाजा बेटे, लाल कर दो पीछे से पिछवाड़ा। किसका भैया? कुलचे का भाजी। जैसे इन भाई साहब के ठेले को आज दुनिया के छोले नाम से जानती है। छोले कुलचे नाम तो रही से गुस्से से देते बेटे बेटी। जब लोग इनके खाने को रिव्यू देते हैं तो वो भी ऐसे देते हैं, खराब चल रहा है 3:25। और इनको कौन बताए कि बातों के बताशों से पेट नहीं भरता साहब, टेस्टी छोले कुलचे से भरता है। 50 रुपए प्लेट में टेस्टी नहीं होगा तो क्या फायदा। पर अंकल जी की बकबक नई नहीं है, इनकी बकबक पिछले 36 साल से चल रही है, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया और फूड ब्लॉगर्स इनकी 36 साल की मेहनत दुनिया के सामने आई और लोगों ने दूर दूर से जाकर दरियागंज में इनके छोले कुलचे खाए। और भले आज फूड ब्लॉगर्स को नए नए क्रिंज मिल गए हों, पर अंकल जी आज भी अपनी बकबकिया अंदाज के साथ वही दुकान लगाते हैं। 6, कचौड़ी कचौड़ी पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या आपने भी बचपन में इतनी डांट खाई है कि अब बिना डांट खाए आपके गले से निवारण नहीं उतरता? तो अभी पहुँचे लाली छगनी कचौड़ी वाले अंकल के पास। कलकत्ता वाले ये अंकल जी जितने अपने कचौड़ी के लिए फेमस नहीं है, उतना चिल्लाने के लिए है, पर फिर भी हर दूसरे दिन एक नया फूड ब्लॉगर इनके पास दूर दूर से अपनी बेइज्जती करवाने आ जाता है। शायद यही सोचकर अंकल जी फेमस हो रहे हैं तो उनके साथ साथ वो भी फेम की गंगा में हाथ धो लें। पर कई ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो अंकल जी के पास उनकी कचौड़ी के सबसे हट के जायके के लिए जाते हैं। जब उनमें से एक ने अंकल जी से इस डिफरेंट जायके के सीक्रेट पूछा तो अंकल जी ने बीकानेर के मसालों को सारा क्रेडिट दे दिया। हमारा मसाला बीकानेर से बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जितना ज्यादा ऊपर उठोगे आपके दुश्मन उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अंकल जी का भी यही हाल। तभी तो एक फूड ब्लॉगर ने अंकल जी के पत्तों को घुटने पर रगड़ने पर सवाल खड़ा कर दिया, ये कहकर कि ये हाइजीनिक नहीं है। आप जब पत्ते को लेते हो ना, आप यहाँ पे जो टच करते हो वो थोड़ा गंदगी लगता है। पर अंकल जी ने फौरन मामला संभाल लिया। कपड़ा गंदा थोड़ी है भले। और अंकल जी की बात में गलत क्या है, कपड़े थोड़ी गंदे होते हैं, ना उन पे धूल लगती है और ना ही पसीना, ये ब्लॉगर भी ना। और वैसे भी जब तक कचौड़ी खाकर 2-4 उल्टियां या डायरिया ना हो जाए, आप नाक ऊंची करके किसी को कैसे बताओगे कि आपने कचौड़ी खाई है। नंबर 7, जो बीत गई वो बात गई। ना कुल्लड़ नया कॉन्सेप्ट था ना पिज्जा, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो कुल्लड़ पिज्जा का नया कॉन्सेप्ट बना उसने सहज अरोरा और गुरप्रीत कौर को रातों रात फेमस कर दिया। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी इनके साथ एक हादसा हो गया, ये कपल एक कंट्रोवर्सी में फंस गया। 2023 की आसपास इनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। साडे नाम तो एक वीडियो वायरल होती देख रहे हो, वो वीडियो बिल्कुल पूरी तरह फेक है। इस दौरान काफी ड्रामा भी हुआ, इन्होंने पहले वीडियो AI जनरेटेड बताया, बिल्कुल टोटली फेक है, जो कुछ भी बनाया लोगों ने फेस, पता है आजकल AI
किसी दे भी फेस नु लगा के किसी भी तरह की वीडियो बन जाती है। पर कुछ वक्त बाद उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये वीडियो उन्हीं की थी। इसके बाद इनका फेम जिस स्पीड से बढ़ा था उसी स्पीड से रातों रात घटने लगा। हालांकि जब इन्होंने अपनी गलती को माना तब इनके फॉलोअर्स और पब्लिक सपोर्ट की मदद से ये कपल अपनी प्रॉब्लम से बाहर आया और आज ये कपल कूलर पिज्जा के ओनर के अलावा फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और ये आज भी क्रिंज मचा रहे हैं। नंबर 8 क्रिंज वर्सेस टेस। संडे हो या मंडे रोज खिलाओ अंडे। सरदार जी ऑमलेट वाले का तो बस यही मूल मंत्र है। अंकल जी 80 के हो गए लेकिन इनके हाथों में आज भी इतना स्वाद है कि खाने वाला एक बार खाता है और बार बार इनकी दुकान पे आता है। उन्हीं के लिए बहुत दूर से आया हूँ लेकिन क्योंकि उनका खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैं यहाँ पे 3 सालों से खाना खाने आ रहा हूँ और यहाँ का ऑमलेट भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बॉयल भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे तो सरदार जी अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं पर इस उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी है, वरना मार्केट में आंख उठाकर देखने भर की देरी है। आपको क्रिंज फूड वेंडर्स की लाइन मिल जाएगी जो फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर एक बार के लिए आप क्रिंज भी बर्दाश्त कर सकते हो अगर खाने में स्वाद हो। अब इन अंकल जी के हाथों में स्वाद भले हो पर इन्होंने मार्केट अपनी क्रिंज कॉन्टेंट से जीता हुआ है। फिर बात चाहे इनके 24 कैरेट गोल्ड एग्स की हो या पार्ले जी का ऑमलेट बनाने की, तो भाई लोग ये थे वो फूड ब्लॉगर्स जिनको आपने 99% अपने फीड पर देखा ही होगा और इनके क्रिंज कंटेंट ने आपको भी ये बोलने पर मजबूर कर दिया होगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। इन सारे फूड वेंडर्स में से आपको क्रिंजियस्ट कौन लगा, फैक्ट भाई को कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कचौड़ी वाले अंकल थे ना वो मार्केटिंग स्टाइल ही है और लोगों को पता कि वहाँ जाओगे जिल्लत तो मिलेगी लेकिन जाते रहे। बच्चे का मैंने मतलब स्टोरी सुनी थी, अगर वो सच्ची है तो उसको सपोर्ट करना। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। और देखो भैया आज के टाइम पर यही है, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे कपड़े के ब्रांड हो, चाहे मोबाइल ब्रांड हो, आपको हटके मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। हटके मार्केटिंग होगी तभी सामान बिकता है और ये इनको पता है वो चीज। हम क्रिंज तो कह देते हैं लेकिन वो उनका तरीका है सामान बेचने का, खाना बेचने का। तो वही है, अब वही वाली बात है। अब कोई ऐसे कह देगा, मान लो एग्जांपल है, कोई कंपनी आके कह देगी ये हमने लोअर बनाई है, ये बहुत बढ़िया लोअर है, लो, नहीं लगा। वहीं पर विराट कोहली आएगा उसको पहन के या फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आएगा स्टाइल में या कूल बनते हुए। तो वही चीज मार्केटिंग होती है, वैसे ही है कि कोई अपनी साइड स्टोरी बताता है तो कोई दूध को भाई साहब ऐसे जीप से ऐसे मैं वही वाला अवॉइड कर रही थी। वो तो वो टच नहीं करता है, वैसे वो टच नहीं करता है, पर यार माइंड में तो आता ही है। फिर भी कैसे भी कराओ फेमस हुआ बंदा, हर एक बंदा सब फेमस, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो इसमें मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि गलत कर रहा सही कर रहा, लेकिन क्रिंज सब करते हैं तो मस्त है यार, इंजॉय करना चाहिए। और ये फेमस हुए तो काफी लोग और भी फेमस हो रहे हैं जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैं ही कहूंगा कि इनको देख के आप सीधा वैसे मोटिवेट मत हो जाओ कि ले भैया कल से मैं भी नागिन बन के ऐसे क्रिंज फैलाऊंगा या ऐसे। नहीं, किस्मत भी होती है, नहीं तो बहुत लोग जो स्टॉल लगाते कितने आप 8-10-12 ही तो फेमस हुए। तो इसलिए जब तक हो सके पढ़ाई पे भी ध्यान दो, जो भी आप पढ़ जाओ, आप करो बिजनेस कोई भी, लेकिन ये समझ लो जैसे एक टाइम आया था कि YouTube पे ना लोगों को देख के कि गेमर है सारे, सब लोग अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ गए थे बच्चे की, यार हमें भी गेमर बनना है तो गेमिंग पीसी लाके दो। भाई 1.5-2 लाख के गेमिंग पीसी पेरेंट्स लाके देते हैं, बच्चे का चैनल चलना, बच्चे का टेंशन नहीं लेंगे, पेरेंट्स ले लेंगे कि भाई पढ़ाई करके, क्योंकि जिन्होंने करा है वो करा है। लेकिन आप कितने क्रिएटर हो गए जो गेमर हैं आज के टाइम पर, बहुत बड़े लेवल पर, चाय वाला बन जाए, एमबीए चाय, हाँ, हर कोई कैरी बनाती, हर कोई टोटल गेमिंग जो भाई हर एक नहीं बन सकता। तो इसीलिए रीस करो मत, आपको लगता है वो चीज बेटर आप कर सकते हो तो वो चीज करो। बाकी वीडियो मस्त थी, मजेदार थी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, फैक्ट बाय की एक नंबर वीडियो। बाय, टेक केयर।